कॉलेज छात्रों को कोविड वैक्सीनेशन लगवाने के लिए स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हमीरपुर डिग्री कॉलेज में लगाया गया, जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि 1 जुलाई से कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं और कोविड संक्रमण के बचाव के चलते अब स्पेशल कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल अंजुम बत्ता सहगल ने बताया कि कॉलेज में स्पेशल कोविड टीकाकरण कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान को तेजी लाई गई है। टीकाकरण करवाने पहुंची छात्रा स्नेह कुमारी अक्षिता ने बताया कि कॉलेज परिसर में कोविड वैक्सीनेशन के लिए सुविधाएं दी गई हैं। इसके लिए वे प्रशासन का धन्यवाद करती हैं, क्योंकि कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। संस्था का काफ़ी ज़्यादा जो ये प्रोवाइड रहा है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है सबको, तो उसके लिए हम काफ़ी थैंकफुल करते हैं गवर्नमेंट को भी और कॉलेज को भी, ताकि उन्होंने बच्चों को देखा कि हाँ अगले महीने तक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उनके लिए वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपना सरकार और कॉलेज का कि हमें इतने आसानी से वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है कॉलेज में, और मतलब इतने रश भरे एरिया से दूर होके कॉलेज में हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू आवर गवर्नमेंट। वहीं डिग्री कॉलेज के साथ लगते NIT संस्थान के स्कॉलर छात्रों ने भी वैक्सीनेशन लगवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीनेशन की वे डोज लगाने पहुंचे हैं, जिसके लिए वे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। मैं NIT हमीरपुर का PhD का छात्र हूँ, और अभी हमें वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया गया हमारे कॉलेज के द्वारा, और ये हमारा पहला कोविड जो भी वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई गई उसका पहला हमारा डोज है, और ये हमारे कॉलेज अथॉरिटी और यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज के हैं इनके दोनों के मिलन से जो भी हुआ है कि हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है वैक्सीनेशन। और चूँकि यहाँ पर लंबी लाइन है, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट चलो ठीक है, कॉलेज का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड किया है। चूँकि हम लोग बाहर अलग अलग जगह से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, हम लोग यहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हमें ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो थैंक यू फॉर कॉलेज अथॉरिटी, तो NIT को हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम NIT हमीरपुर के रिसर्च स्कॉलर हैं। सबसे पहले हम अपने NIT अथॉरिटी को थैंक्स कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने हमें इस वैक्सीन का फर्स्ट डोज के लिए प्रोवाइड कराया, जो कि अभी थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है हर जगह, हम लोग को मतलब हॉस्टल में रहते हैं तो ईजिली हम लोग को प्रोवाइड करा दिया गया, तो थैंक्स फॉर NIT हमीरपुर। कॉलेज की प्रिंसिपल अंजुम बत्ता सहगल ने बताया कि अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ साथ कॉलेज के प्रोफेसर व अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ जो वैक्सीनेशन से बच गया था उन्हें भी आज वैक्सीनेशन लगवाई गई। उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान हमीरपुर के साथ साथ निकटवर्ती कॉलेजों के छात्रों को भी वैक्सीनेशन की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि कॉलेज में 3 अलग अलग बूथ लगाकर वैक्सीनेशन की सुविधा सभी को प्रदान की जा रही है। आज महाविद्यालय हमीरपुर में एक वैक्सीनेशन की स्पेशल ड्राइव हमने की है, जिसमें हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट से फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अगर किसी बच्चे ने बाई चांस अभी तक वैक्सीनेशन ना करवाई हो या कोई छूट गया हो जिसका नंबर ना आया हो, तो वो सब यहाँ आकर के एग्ज़ाम देने से पहले ये इंश्योर कर लें कि उनकी कम से कम एक डोज लगी हो। उसको देखते हुए हमने CMO हमीरपुर के साथ, एसोसिएशन के साथ और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के डायरेक्शन के तहत यहाँ पर एक स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर क्रिएट करवाया, और आज यहाँ पर 18+ सभी स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा हमारे कॉलेज के स्टाफ के भी जितने एम्प्लॉयज़ बच गए थे, चाहे वो टीचिंग हैं, नॉन टीचिंग हैं, या कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड थे जो लगवाना चाहते थे, उन सबको एकोमोडेट हमने किया है। इतना ही नहीं, हमारे पास अपने नेबरिंग इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर के बच्चों ने भी कॉन्टैक्ट किया। करीब 50 के करीब स्टूडेंट्स और 10-15 उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो चाहते थे कि हमें भी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाए, तो उन सबको हमने यहाँ पर एकोमोडेट करते हुए करीब 400 के करीब वैक्सीनेशन करने का ये मुहिम उठाई है, जो कि अभी डाटा कंपाइल हो रहा है। एक डाटा हमारा 12 बजे अभी जाएगा डायरेक्टरेट कि कितनों को लग गई, और एक डाटा फाइनली हम 2 बजे भेजेंगे, और काम चल रहा है। करीब 3 अलग बूथ्स में हम उनकी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिसमें 45+ का एक अलग बूथ बना है, 18+ का अलग बना है, और स्टाफ को हमने अलग एकोमोडेट किया हुआ है।